हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप ही देख रहे हैं, मैं इस वक्त हूँ किचन में। और आज मुझे जो है, आज संडे, आज भी छुट्टी है तो मैं घर पे ही हूँ। तो आज मुझे घर वालों ने काम दिया है करने के लिए, और वो काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इनको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं खट्टे, पहाड़ी लैंग्वेज में। तो ये जो हमने किसी से मंगवाए थे, तो अब ये जो है इनका अचार डालना है। तो सबसे पहले जो है इसको काटना पड़ेगा इनको। तो ये काम दिया है कि इनको काटो, साफ़ करके काट के, पता नहीं आगे क्या करना है, पर मुझे तो सिर्फ काटने के लिए बोला है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहली बार कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम, आई होप अच्छा हो। काट के बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ। और ये देखिए, ये हमारा मटेरियल है अचार बनने के लिए, खट्टे। आपके मुँह में पानी आ रहा होगा इनको देख के, काफ़ी रसीले होते हैं ये। तो देखिए गाइस, जो अचार डालने के लिए जो है बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। और ये देखिए, ये मसाला भी तैयार है। मम्मी, मसाले में क्या क्या है? मेथी, सूखी मेथी, मेथी, अजवाइन, हल्दी, लाल मिर्च। हाँ, तो ये सब जो मैंने बताया, ये सब इसने मिक्स किया हुआ है। पका लिया। तो गाइस, सुबह की शुरुआत हो चुकी है अचार डालने के साथ। और अब मैं थोड़ा मार्केट जा रहा हूँ कटिंग करवाने के लिए। ये देखिए बालों की हालत, देखिए। वैसे तो मैं सोच रहा था नहीं कटवाने हैं, लेकिन कुछ है नहीं साफ था इनका, देखिए कोई शेप नहीं, कोई कुछ नहीं, तो फिर मजबूरन मुझे कटवाने पड़ेंगे। फाइनली गाइस, जो मैं नए नुक्कर पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पे आज बार बार शॉप पर काफ़ी भीड़ है। ऑब्वियसली आज संडे है तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मैं सोच रहा हूँ धूप सेक ली जाए और आपसे बातें कर ली जाए। तो सबसे पहले जो है, आपने मेरी थर्ड वेडिंग एनिवर्सरी के ब्लॉग को इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जो है, जितने भी सब्सक्राइबर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार देते रहें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। इसके अलावा प्लीज़ जो है, चैनल को अनसब्सक्राइब ना करें, ठीक है? अगर आपको मेरे से कोई गुस्सा है या नाराज़गी है या कोई वीडियो मेरी अच्छी नहीं लगी है, तो डिसलाइक कर दें, पर अनसब्सक्राइब ना करें। आई होप आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ अच्छी लगें, ब्लॉग अच्छे लगें। तो इसके लिए जो है, प्लीज़ एक बार जब सब्सक्राइब कर देते हैं तो फिर अनसब्सक्राइब ना करें। तो बाकी फिर से एक बार, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, आपका वेलकम है मेरे चैनल में, यूट्यूब चैनल में। आई होप आपको आने वाली वीडियोज़ अच्छी लगें, और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और अपना प्यार देते रहें। तो गाइस, ये देखिए, ये हमारी नैन बुकर मार्केट, ये देखिए बहुत अच्छा व्यू है। और ये डेवलपमेंट भी काफ़ी हो गई है, काफ़ी मतलब लंबी चौड़ी मार्केट बन गई है नैन बुकर की, और व्यू भी प्यारा है। तो फाइनली गाइस, मैं कटिंग करवा के हो चुका हूँ फ्री। आई थिंक बाल थोड़े और छोटे हो सकते थे, पर चलो कोई बात नहीं, जो है ठीक है। चलिए फिलहाल चलते हैं घर। यहाँ पे हमारे यहाँ पे छोटा सा फंक्शन है आज गांव में, धाम है, एक लड़की है उसकी नामकरण सेरेमनी है। तो वहाँ पे जा रहे हैं, मैं और पेंटा भाई भी साथ में जा रहे हैं, वो आगे वेट कर रहे हैं, तो चलते हैं। तो फाइनली गाइस, हम खाना खा के फ्री हो चुके हैं। और ये आप इसे देखते हैं, मैं इस वक्त रसोई में खड़ा हूँ, और लगभग काम जो है ख़त्म हो ही चुका है। तो यहाँ पे ये काम चला हुआ फ्रिज का, ये आपको बताते हैं कि क्या काम चला हुआ यहाँ पे। ये देखिए, इनको हमारी भाषा बोलते हैं फ्रिजा, मतलब कि जो यहाँ पे आए होते हैं मेहमान वगैरह, उनको जो है घर के लिए दिया जाता है ये कांगड़ी धाम का ये भी पार्ट है फ्रिज। तो ये देखिए, यहाँ पे ये सब जो हैं, ये आयुष है हमारे गाँव के, ये इसको यहाँ इसमें मानी डाल रहे हैं। तो गाइस, फाइनली टाइम हो चुका है 5:30, और मैं जा रहा हूँ दूध लेने पहले। और उसके बाद जो है, हम मिलने जाएंगे चाचा की लड़की से। चाचा की लड़की जो है, मैंने आपको पहले एक बार किटी पार्टी में बताया था कि उनको बेटी हुई है, तो वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो फिर हम जाएंगे उनसे मिलने, क्योंकि मैं गया नहीं हूँ, बाकी घर के सारे जा चुके हैं, लेकिन मैं नहीं गया, मुझे टाइम नहीं मिला बिजी शेड्यूल की वजह से। तो आज संडे है, तो मैंने सोचा जाके आएंगे। तो पहले लाते जल्दी से दूध, फिर आपको मिलवाते हैं चाचा की लड़की से और उसकी बेटी से भी। ये है गुनगुन, मिलिए गुनगुन। तो ये देखिए, मिलिए गुनगुन से, ये है चाचा की लड़की सपना, शॉर्ट फॉर्म में शब्बू बोलते हैं इसको, और ये इनकी बेटी, छोटी सी बेटी। मैंने आपको बताया था किटी पार्टी में कि ये हम जो है, मैं मामा बन गया, ये नानी बन गई। तो ये है गुनगुन, छोटी सी, देखिए। ओ, ओ वांसी ले ली गुनगुन ने, तो वांसी ले ली। नहीं,
कंटिन्यू नहीं होना मतलब कंटिन्यू रोंदी बीच बीच ब्रेकर लाई लाई ब्रेकर लाई लाई हसदी कितने ध्यान ने सुना इसके पापा ना इसके पापा को क्या सुनांदे बोलदे लाडो रानी बाबुल की दुआए लाडो रानी बाबुल की दुआए लेती जा ये गाना दो ही वास्ते है गाना दो ही गुनगुन वास्ते भी है नानिया वास्ते भी है नानी भी इस गाने सुन पक्का ना डेट ऑफ बर्थ बर्थ सर्टिफिकेट पर गुनगुन चढ़ाई थी मैदानशी वी ते आया वी ते वेदानशी वेदांशी ना कोई छोटा ना रखे तो हाँ गुनगुन छोटा ना गुनगुन कुछ भी बोली ले रहा वेदू नहीं बड़े नहीं रखने एक बथेरा गुनगुन रखना तो गुनगुन ही रखना सारे गुनगुन ही रखना सही तो बैठे बैठे सही बिच बिच जागे बंदी होने बिच बिच सही बंदी होने किन्नी लग गई जफिए ले जाना शबू सामने कुछ भी नहीं लगे मामू वाले ही है गुनगुन मामू अकबा गुनगुन टोपू तो टाइट के लोए है अरे सारे बोले टाइट लगा और मुझे लूज लगा नहीं 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 परेशान हो लगी ना पता हूं मम्मी गुदा लगी पता हूं बच्चे तो फाइनली गाइस चाचा जी की लड़की से मिलके मैं वापस घर आ चुका हूँ और किचन में हूँ डिनर बिल्कुल तैयार है और मैं बताता हूँ डिनर में क्या बनाया तो आज डिनर बना है कचालू की सब्जी और चपाती और ये वो चार जो मैंने आपको बताया अभी हुआ नहीं है लेकिन ऐसे टेस्ट करने के लिए रखा हुआ है कि देखें टेस्ट कैसा है इसका तो बस ये है आज तक का डिनर और अचार जो है सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है बना है काश आपको भी मैं टेस्ट करवा पाता लेकिन चलो कोई बात नहीं तो गाइस मैं करता हूँ डिनर आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में अगर ये आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर दें और जो न्यू व्यूअर हैं सब्सक्राइब भी कर दें तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में तब के लिए टेक केयर बी सेफ बाय बाय।